सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 2। जी हाँ, मैं आज खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का प्रैक्टिस मोड में डोर एस्केप। हाँ, तो हम डोर एस्केप करेंगे, तो प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर मीडियम में रहने देते हैं और डोर एस्केप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हमें 5 दिन मिलते हैं ग्रैनी के घर से निकलने के लिए। तो इसमें हमें 5 दिन मिलते हैं, तो अभी ग्रैनी है ही नहीं ग्रैंड पा, तो अभी डे 1 स्टार्ट हो गया हमारा, तो इसलिए हम एक ही दिन में कर लेंगे। तो मैं थोड़ी अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ट्रैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ग्रैनी और ग्रैंड पर नहीं है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ इस डॉर में चेक करते हैं, डक टेप मिला हम यहाँ से। हमारा कोई काम करनी है, हेलीकॉप्टर स्केप नहीं करना हमें, हमें ये वाला डोर स्केप करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, क्रोबार। इसलिए मुझे हैंडवेल चाहिए होगा। यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी की मिली है मुझे, ताकि इन डॉर्स में चेक कर लिया मैंने, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी की है मेरे पास, सिक्योरिटी के काम आ सकती है हमें। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की है, नहीं चाहिए। यहाँ पे भी देख लिया, कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी देख लेता हूँ क्या इसमें क्या है। यहाँ रोबोट की है, नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या है। यहाँ पे तो एक पिल्ला रहता है मैकेनिक का, और यहाँ पे हमें बेंच लगता है तो उस पिल्ले का रास्ता खुल जाता है। ये जो पानी है ना, वहाँ ये खुल जाता है। चलो, ये सिलेंडर लेने वाला मैंने किताब को निकाल लिया है। यहाँ से मुझे वेपन भी मिल जाएगा, और यहाँ से अब सिक्योरिटी की निकाल लेते हैं क्योंकि अब ऊपर जाने का टाइम आ गया। सिक्योरिटी की को लेकर ऊपर चलते हैं और यहाँ से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, शायद पैडलॉक की मिल गई। भाई क्या बात है, इस गेट को ओपन करते हैं इस की से, उसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या डोर हैंडल हुआ। और भाई क्या बात है यार, कितनी जल्दी हमें सामान मिल गया सारा। यहाँ पे ग्लास यूज है कोई बात नहीं, और यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे डोर लॉक है यहीं चीज़ें, यहाँ से हम गिरा के हम इसके नीचे घुस जाते हैं और यहाँ से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोर हैंडल लगा लेते हैं अपना यहाँ पर। यहाँ से तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है भाई यार, वो मैंने खोला नहीं था ना गेट, इसलिए गेट नहीं खुला है ना हमारा वहाँ से, इसलिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये हेलीकॉप्टर मैनुअल, अच्छा इससे हम हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए था। लोग कोई बात नहीं, ले लिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे देख लेते हैं डॉर्स। तो चलो अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे रेंच पड़ा है। तो चलो अब दोबारा से चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक रूम है जो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे पैडलॉक की को ले लेते हैं और यहाँ से इस रूम को चेक कर लेते हैं। ओ भाई, यहाँ पे तो खिड़की खुली हुई है, यहाँ से हम वहाँ जा सकते हैं, हैं। ओ भाई कितना अच्छा है, वो भी बंद हो गया दरवाज़ा भी। चलो इसको हम खोल लेते हैं, नहीं तो अगली बार की तरह हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं नीचे और फिर यहाँ से पैडलॉक की को भी खोल लेते हैं। ये खोला पैडलॉक की, चलते हैं दोबारा ऊपर। यहाँ से इस डोर में चेक कर लेते हैं क्या है। स्टन गन मिल गई, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं और इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, और उसके बाद तो हम ऊपर चलते हैं। अभी ऊपर इस यहाँ पर मुझे सीढ़ी दिखी थी ना, वहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गए। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या है। यहाँ पे डोर हैंडल मतलब हैंडविल मिल गया। तो अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं, ये भी डोर एस्केप में काम आता है।
दोनों स्किप में ये भी काम आता है ना, इसलिए। चलो अभी इसको हम लगा के आते नीचे, यहाँ पे लगेगा ये हैंड व्हील और ये घुमा लेते हैं। घूम गया, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। भाई देखो यहाँ पे तो अभी करंट भी है और क्रोबार भी चाहिए। क्रोबार और करंट के लिए हमें कटिंग प्लायर चाहिए होगा, तो कटिंग प्लायर भी हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो एक वायर है ना, इसको हमें कट करना है कटिंग प्लायर से, जब ही वो जो बिजली है भाग जाएगी। चलते हैं ऊपर दोबारा से और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे तीन ड्रॉअर से इसमें चेक कर लेते हैं वेपन की। दोबारा से चलता हूँ यहाँ पे नीचे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने ये खोल देखा था। यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे दोबारा हटा के अंदर घुसता हूँ। क्रोबार मिल गया भाई मुझे, बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे। क्रोबार उठा लिया, अब इससे हमें कटिंग प्लायर भी मिल जाएगा, क्योंकि दो बॉक्स होते हैं ना, एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कटिंग प्लायर उठा लेते हैं। चलते हैं कटिंग प्लायर लेके ऊपर। चल अब चलते हैं, यहाँ से हम वायर कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद जाते हैं हम अपना वापस से क्रोबार लेने। और जब हम क्रोबार ले लेंगे तो हमारा ए स्केप हो जाएगा। तो क्रोबार को ले लेते हैं, और क्रोबार को लेने के बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद हम वहाँ से वायर कट कर दिया, तो हमने बिजली भी चली गई। यहाँ से हमने स्केप भी कर लेना है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि स्टन गन का काम क्या होता है। चलो स्टन गन के पास चलते हैं, एक बार मैं आपको मज़े करके दिखाता हूँ इस घर में स्टन गन से। ये से हम सिर्फ एक शॉट मारेंगे स्टन गन से, और उसके बाद स्केप कर लेंगे। तो यहाँ से हमने शॉट मारा, इससे क्या होता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा को हम मारेंगे तो उनको करंट लग जाएगा। तो अब के लिए हम स्केप की ओर चलते हैं। ये हमने यहाँ से घुमाया स्केप, चलो चलो हमने स्केप कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन दबा देना। देखो बुढ़ा बुढ़िया आ गए मेरे इंतजार में। चलो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको शॉर्ट दे पाऊँ। तो अब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टाटा।